बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज बना रहे हैं हम चिकन आलू का सालन, तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आज मैं पहले ही कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है और मैं बताती जाऊंगी जिस तरह से मैं डालती जाऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने ऑयल गरम कर लिया और इसमें मैंने प्याज जो थी वो ब्राउन कर ली थी, और प्याज ब्राउन करके निकाल ली थी मैंने, ये देखें। अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। मैंने 1 किलो चिकन लिया है और 1 पाव आलू लिए हैं। ऑयल गर्म हो गया है, कुछ ये खड़े गरम मसाले हैं, लौंग, काली मिर्ची, बड़ी इलायची और 1/2 टीस्पून जीरे का है। एक टेबल स्पून में नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लेना। दो टेबल स्पून में डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैं इसकी भुनाई कर लूँगी। ये जो मैंने प्याज निकाली थी उनको मैंने पीस लिया है, वो भी मैं इसी वक्त डाल रही हूँ। और ये मैंने लिए हैं कुछ मसाले, तो 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची का है, 1 टेबल स्पून सूखा ये पिसा हुआ धनिया है और 1/4 चम्मच है हल्दी का, और 1 टेबल स्पून है मैंने लिया है कोरमा मसाला। आप किसी भी ब्रांड का कोरमा मसाला ले सकते हैं, अगर आपके पास अपना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, मगर एक ये मैंने डाल दिया है, टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाएगा, मज़ेदार लगेगा। ये दो टमाटरों की मैंने पेस्ट बना ली थी, तो टमाटो प्यूरी आप डाल सकते हैं। और ये दही भी मैं डाल रही हूँ। अब ये दही और टमाटर का पानी अच्छा खासा इसमें हो गया है, तो ये इसी में गल जाएगी
और ये भून लेते हैं हम अभी। फिर हम आलू भी डालेंगे, थोड़ा इसका पानी कम हो जाए वरना आलू घुल जाएंगे। पानी कुछ कम हो गया है तो मैं इस स्टेज पर डाल दूंगी आलू, ताकि ये दोनों साथ में गल जाएं, और गलने के ये जब पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं भून लूँगी। मैं आलू भी डाल रही हूँ, ठीक है। देखें आप मेरे तरीके से बनाना। तो इसका पानी खुश्क होने लगा है तो मैं अब भून लूँगी इसको, और इसमें हाफ टी स्पून में डाल दूँगी गरम मसाले का भूनते हुए। ये हाफ टी स्पून है, आलू में अभी थोड़ी कसर है तो मैं भूनने के बाद जो शोरबा डालूंगी वो उसमें गल जाएंगे। और ये हरी मिर्चें, थोड़ा हरा धनिया भी डाल दिया मैंने, थोड़ा मैं गार्निशिंग कर दूंगी। ये भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है सारा, ये देखें रोगन सारा ऊपर आ गया है। अब मैं शोरबा इसमें डाल दूंगी, मुझे जितना शोरबा रखना है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें। मेरे मुताबिक ये सही है, आप जितना रखना चाहें आप रख लेना। और मैं ये अब मैं ढककर रख रही हूँ ताकि ये जो कसर रह गई थी आलू में बाकी वो पूरी हो जाए, तो मैं डिश में निकालूंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो देखें ये हो गया है सालन बनके बिल्कुल तैयार, और ये आँखों को इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार होगा। तो आप भी मेरे तरीके से बनाएं, आसान तरीके से बनाएं और झटपट बना लें, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा, बहुत ज़ायकेदार है ये सालन खाने में। आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई मैं सच बोल रही थी, और इसी सच्चाई में आप कर लें मेरा चैनल को सब्सक्राइब, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और बताएं कि मैंने वाकई बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार सालन बनाया था। इंशाल्लाह फिर किसी रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।